Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. And in this session, we're gonna discuss some important topics like Hindu women's inheritance right and the detailed analysis of the Supreme Court's judgment. The second is the transparent taxation honoring the honest taxpayers, the recent scheme launched by the government. The third is the rights of the PWD. If you we'll look into the context that why this news popped up, then it turns out to be an imperative news. So let's begin Hindu woman inheritance right before moving further that what is detailed about it. Inheritance in India is inheritance your religion. If you are Hindu, Sikh, Buddhist or Jain ho, then it is according to the Hindu Succession Act 1956 and Indian Succession Act 1925. If you are a Muslim then you would be governed by your personal law that is shariat and other than that if you are christian jews or parsi it is through indian succession act 1925 if you are an atheist then also it is you will be governed you will fall under this compartment because the constitution of india does not explicitly define who is a hindu or what is hindu as a result even atheists are also seen under the bracket of hinduism सो so, अब uh, जो हमारी 1956 की हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके तहत सिर्फ मेल्स को यानी पुरुषों को लीगल हेयर माना गया है अपनी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी वही माना गया था इसे 2005 में अमेंड कर दी गई थी संशोधन करके सेक्शन सिक्स ऑफ द एक्ट वाज अमेंडेड टू मेक डॉटर्स ऑल्सो को पासनर्स इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर as सन बेटों के बराबर राइट दी गई थी कोपासनस मतलब जन्म से अधिकार बर्थ राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी ये 2005 में अमेंड कर दी गई थी राइट तो अभी ये मुद्दा क्या है अभी फिलहाल क्या है कि दो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इन प्रकाश वर्सेस फूलवती 2015 केस में जो टू जज बेंच में बताया गया है कि ओनली टू द लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग कोपासनर्स पर ये लागू होगा मतलब उन्हीं पुत्रियों को लीगल हेयर या उत्तराधिकारी माना जाएगा जिनके पिता 2005 अमेंडमेंट एक्ट से पहले जीवित जीवित हो राइट एंड सेकेंड जो 2018 में जजमेंट आई थी उसमें ये उल्टा माना गया दैट इज़ कॉन्ट्रेरी जजमेंट दी गई थी 2015 से कि इन बोला गया था कि उन लोगों को भी शेयर मिलेगा उन बेटियों को भी शेयर मिलेगा जिनके फादर का डेथ हो चुका है तो देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू जजमेंट्स राइट तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू जजमेंट और थ्री जज बेंच वॉज स्टैब्लिश्ड एंड द रूलिंग ओवर रूल्स दी अर्ली ओवर एंड इसका जो मेन रूलिंग था वो दो आया था कि जॉइंट हेयर वुमेन को मिलेगा इर ऑफ द फादर वेदर द फादर इज़ अलाइव और डैथ फर्स्टली एंड सेकेंडली ये रेटरोस्पेक्टिव भी अप्लाई होगा दैट इज़ संशोधन से पहले पे अगर बंटवारा हो चुका है तो उस पर भी ये अप्लाई होगा विल हैव अ रेटरोपेक्टिव इफेक्ट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओके द नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये जजमेंट की एक लीगल कन्फ्यूजन को अवॉइड कर रही थी कि 2005 से पहले ये अप्लाई होगा या नहीं तो येस इट विल बी अप्लाईड एंड सेकेंडली फादर का अगर डेथ हो चुका है तब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा इट विल बी इिस्पेक्टिव ऑफ़ द वेदर फादर का डेथ हुआ या नहीं हुआ द वुमन इज़ अ लीगल हेयर अकॉर्डिंग ऑन पार विद मेल्स राइट टू इक्वालिटी एज आई सेट ऑन पार विद द मेल्स इकनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डॉटर्स एंड द सेकेंड थर्ड फोर्थ इज द कोडिफिकेशन ऑफ नॉम्स ओके दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट द सेकेंड टॉपिक इज द ट्रांसपेरेंट टैक्स सेशन अभी एक नया आया है स्कीम जिसमें जो ऑनर्स्ट टैक्स पेयर्स है उन्हें रिवॉर्ड की जाएगी ऑनर की जाएगी इसका तीन ब्रांच है फेसलेस असेसमेंट द सेकेंड इज फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर वन एंड थ्री जो है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा बट जो सेकेंड है फेसलेस अपील ये जो बर्थ एनिवर्सरी है मिस्टर दीनदयाल उपाध्याय के वहाँ तब से लागू होगा ओके सो वो लेट्स सी वॉट इज इट फेसलेस असेसमेंट होता है कि जो टैक्स पेयर और फेसलेस असेसमेंट का मैंने डिटेल डाल रखा है इसमें यू कैन जस्ट गो टू दिस लाइ दैट दिसज नो नीड फॉर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स ऑफिशियल दे बाय रिड्यूसिंग द चानसे ऑफ कोअर्शन एंड रेंट सीकिंग ओके एंड द सेक्सट इज फेस अपील फैसिलिटी कि अगर कोई टैक्स पेयर को किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना है कोई टैक्स ऑफिशियल के तो वो अपना खुद स्वयं ना जाकर बिना फ़िजिकल रिप्रजेंटेशन का भी अपील कर सकता है दिस इज़ बिजनेस अपील फैसिलिटी ये सेप्टेम्बर ट्वेंटी फिफ्थ से अवेलेबल होगा टू द सिटीजन द थर्ड इज़ टैक्स पेयज चार्टर चार्टर आपको पता है क्या होता है सिटीजन चार्टर आई जस्ट गिव अ स्मॉल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इज चार्टू ऑलमस्ट हैवी बीन टू डोमिनोज पिज्ज़ा राइट उसके होम डिलेवरी पर रहता है कि थर्टी मिनट्स तक पिज़्ज़ा आपको डिलीवर हो जानी चाहिए इफ़ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड देन यू वुड गेट अ अनदर पिज्ज़ा फ्री ऑफ दैट कॉस्ट समथिंग लाइक दैट दैट इज सिटीजन चार्टर राइट सिमिलरली टैक्स सिमिलरलीस एक्सपेक्टेश फ्रॉम द टैक्स ऑफिशियल्स एज वेल अगर टैक्स पेयर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है देन दे वुड बी अ कंपनसेशन यू कैन कंप्लेन एंड कंपनसेशन दैट इज इट इज़ अ बोथ पे द टैक्स पेयर्स एज वेल एज द टैक्स कलेक्टर्स तो ये टैक्स पेयर्स का चार्टर है Together, the rights and the duties of taxpayers fixing the government's responsibility towards the taxpayer. It is both ways. Next, I have just summed up what are the important points regarding this. You can just go through this slide and you will definitely get some points to incorporate in your answers. दे दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अभी यू पी एस सी ने अपना टू थाउजेंड नाइनटीन का रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उस पर जो सीट्स जो पी डब्ल्यू डी के लिए थी वो चार परसेंट से कम थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टी फोर ऑफ़ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटी फोर परसेंट ऑफ मैंडेटरी रिजर्वेशन है सेक्शन थर्टी फोर वन के तहत बट उसमें जो वैकेंसीज निकली अभी जो वैकेंसीज फ़िल हुई उसमें चार परसेंट की कम से कम थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करके यूपीएससी को चैलेंज किया है रिगार्डिंग दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फोर परसेंट ऑफ मैंडेटरी रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टी फोर वन ऑफ आर पी डब्ल्यू डी ओके So hope you have cover we have covered important topics. I have given the details of Person with Disability Act over here, though the font is small, but you can check it out and it take out important points from there. Okay, thank you people. You can get the PDF notes of all these from the link given below in the description box. And if you have any other doubt or if you want me to come out with any particular video on any particular topic, just comment down below. I'll definitely try to come out with it. Thank you people. Keep loving. Keep sharing. Thank you people.